नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम डेल्टा एचएमआई के स्टडी में इनपुट बटन को कैसे यूज करते हैं, मीटर कैसे यूज करते हैं और बार ग्राफ कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। ये लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 में हम पाई चार्ट को कैसे यूज करेंगे, पाई ग्राफ को कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत आता है। जो भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट के हेल्प से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये डेल्टा एचएमआई का एनिमेशन है। इसको भी कैसे कर पाएंगे, एक मार्को के थ्रू हुआ, बहुत ही सिंपल मार्को मैंने लिखा इसके लिए। पाई चार्ट देख रहे हैं और ये इसको कैसे यूज करना है, प्रोग्राम में कहाँ यूज करना है, इसकी एड्रेसिंग कैसे देंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ जाए कि इसको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पे आ गए हैं। ये कैसे ओपन होता है, कैसे क्या सेटअप करना है इसका, आप प्रीवियस नहीं देखे हैं आप मीन्स 1 से लेकर 10 तक, तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया लग जाए कि इसमें डेल्टा एचएमआई में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जिसमें बटन को कैसे यूज करते हैं, इन सभी के बारे में मैंने बताया। मीटर कैसे यूज करना है, बार ग्राफ कैसे यूज करना है, नॉर्मल और डेविएशन में क्या डिफरेंस है। पाइप का कोई लेना देना नहीं है, वो हम पाई के बारे में आज स्टडी करें। पाई में जो हमारे पास 4 तरीके का ग्राफ है, π1, π2, π3 और π4, ठीक है, और इसके अलावा एक पाई चार्ट भी आता है, तो उसका भी हम स्टडी करेंगे कि पाई चार्ट को कैसे यूज करना है। अब हम सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पर आ गए हैं और हम ये चेक करते हैं कि इसको पाई चार्ट को यूज कैसे करना है। तो पाई चार्ट हमारा एलिमेंट में मिलता है, जैसे कि मैंने बता रखा आपको। इसमें बटन को कैसे यूज करना है, इन सभी को मैंने बता रखा है। मीटर कैसे यूज करना है ये बता रखा है। बार ग्राफ में नॉर्मल और डेविएशन को कैसे यूज करना है इसके भी बारे में बता रखा है। पाइप का कोई लेना देना नहीं है और हम इसमें पाई चार्ट का आज एनालिसिस कर रहे हैं। तो पाई चार्ट में π1, π2, π3, π4 और इसके अलावा एक पाई चार्ट है, तो इन 5 के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बट वीडियो में आप पेशेंस रखिएगा और विदाउट स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए और जब भी आप एचएमआई की प्रोग्रामिंग करें तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। मैं π1 ले लेता हूँ, पाई चार्ट 1, और इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही स्क्रीन पे जाने के बाद मैं वंस अगेन पाई में जाने के बाद π2 ले लेता हूँ, π2, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगेन मैं पाई में जाने के बाद π3 ले लेता हूँ, वंस अगेन π4 ले लिया। और इसके बाद हम पाई चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे, तो मैं इन चारों के बारे में बता देता हूँ, देन आपका पाई चार्ट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ये हमारा 4 तरीके का पाई चार्ट है। आप जिस भी फिगर को आपको बेहतर लगे आप उस फिगर को ले सकते हैं। हालांकि सबका एड्रेसिंग और सबका ऑपरेशन सेम है, ठीक है। मैं एक को ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिये, यहाँ पे रीड एड्रेस लिखने का मतलब ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स जिसका भी यहाँ पर हम एड्रेसिंग देंगे उसकी वैल्यू को रीड करेगा और उसके डाटा को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसकी हम रीड एड्रेस दे देते हैं। सपोज मैं अगर किसी डाटा रजिस्टर की वैल्यू रीड कराना चाहता हूँ तो उसकी मैं एड्रेसिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइस वर्ड टाइप लिखा है, तो वर्ड टाइप लिखने का मतलब है हमको डाटा रजिस्टर की वैल्यू देना पड़ेगा, मीन्स 16-bit डाटा रजिस्टर की वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये टाइमर काउंटर या डाटा रजिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक डाटा रजिस्टर ले लेता हूँ और जिसकी एड्रेसिंग D0 कर देता हूँ, मीन्स ये D0 की वैल्यू क्या है उसको ये रीड आउट करेगा। इससे पहले पाई चार्ट को आप यूज कहाँ पे करोगे, यहाँ पे ये समझ लो। सपोज आपके कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, तो जनवरी माह में कितना प्रोडक्शन हुआ, फरवरी माह में कितना प्रोडक्शन हुआ, मार्च महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो अलग अलग महीने का अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं और उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पाई चार्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, पाई चार्ट के अलावा इसके प्रेशर कितना है, अगर टेम्परेचर कितना है उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप वैसे पाई चार्ट के हेल्प से कर सकते हो। या फिर आपका जो भी एसपीएम मशीन होता है वो कई सेक्शन में चलता है, मीन्स कई मोड में चलता है,
मोड ए, मोड बी, मोड सी, तो मोड ए में कितना ओके मींस कितना पार्ट का प्रोडक्शन हुआ, मोड बी में कितना प्रोडक्शन हुआ, मोड सी में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उस सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई ग्राफ के माध्यम से। तो ऐसे केस में हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ यूज करते हैं। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये यूज कहाँ करते हैं। अब देखिए ये जो बॉर्डर कलर है, किनारे किनारे का कलर ये ग्रे है, जो लो रेंज का कलर क्या है ग्रीन है, और हाई रेंज का कलर हमारा रेड है। लो रेंज हाई रेंज कैसे होता है ये आप मीटर वाले लेक्चर में को देखेंगे तो पता चलेगा, बट आप इतना समझ लो कि लो रेंज मतलब जीरो, अगर मैं 10 दे दिया तो 0 से 10 तक का जो वैल्यू होगा वो ग्रीन में दिखेगा, और अगर मैंने 90 इसका हाई रेंज ले दिया तो 90 और 90 से लेकर 100 के बीच की जो वैल्यू होगी वो रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारा कलर है, ये स्टैंडर्ड इसका मतलब स्टैंडर्ड रखना चाहते हो तो राइज रखना चाहते हो या सुकौन सुकेंद्र रखना चाहते हो तो जो रखना चाहते हो आप वो कलर रख सकते हो, मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फॉरग्राउंड कलर, अगर इसमें कलर फील होगा, अगर जितनी परसेंट वैल्यू आती जाएगी वो किस कलर में दिखना चाहिए तो उसके लिए ये फॉरग्राउंड कलर रखते हैं। अगर ये मैंने ब्लू रखा है तो ब्लू आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ तो ये पूरा येलो हो जाएगा, मीन्स येलो कलर से फील होगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर मीन्स ये वाला जो व्हाइट वाला सेक्शन था व्हाइट वाला। डिस्प्ले कलर इच, अगर कलर को शो कराना चाहते हैं तो यस कर दो इससे। अब देखिए यहाँ पे डाटा टाइप वर्ड है, ठीक है, मीन्स 16 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाटा फॉर्मेट हमारा अनसाइन है, मीन्स ये 0 से लेकर 65535 तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू को शो नहीं करेगा, अगर निगेटिव वैल्यू को आप शो कराना चाहते हैं तो साइन डेसिमल रखेंगे। ठीक है, अगर आप केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव शो कराना चाहते हैं तो अनसाइन डेसिमल रखेंगे। देखिए मिनिमम वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये मिनिमम वैल्यू 0, और ये जब 180 का रोटेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आएगी तो 100 हो जाएगी, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 100 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। आप इसको मिनिमम को 0 से 10 कर सकते हो जो मैक्सिमम है, और इसको 1000 के बजाय 1000 कर सकते हो, 10000 कर सकते हो, जितनी भी इसके मैक्सिमम वैल्यू लेना है आप उतनी वैल्यू ले सकते हो। तो हालांकि हम लोग 100 ही तक लेते हैं। अब देखिए ये टारगेट वैल्यू, ये मैंने बता रखा है, प्लीज आप मीटर वाले लेक्चर को देखते हो तो काफी बेहतर तरीके से समझ में आ पाता। ये देखिए टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू वो है जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एक रेंज वैल्यू आती है, जैसे कि 0 से लेके 0 मिनिमम है और 100 मैक्सिमम है, इसकी किस वैल्यू पर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो हमारा एक टारगेट वैल्यू होता है कि 80% पे चला जाए या 90 चला जाए तो वो हमारी टारगेट वैल्यू होगी, तो वही टारगेट वैल्यू पूछ रहा है। तो टारगेट वैल्यू सपोज अगर मैंने 60 दे दिया तो ये यहाँ पे एक 60 पे एक हमारा मार्क बन गया, तो ब्लू कलर का है। अगर वो कलर चेंज यहाँ पे करना चाहते हो ब्लू से अगर ग्रीन करना चाहते हो तो ग्रीन कर सकते हो, जो भी कलर चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। अच्छा ये रेंज देखिए, लो रेंज और हाई रेंज का क्या मतलब है। लो रेंज का कलर जो ग्रीन है मींस अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, 10 लिख देता हूँ, मींस 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू ग्रीन होगी, और या हाई रेंज अगर मैंने यहाँ पे सपोज 80 रख दिया तो 80 से लेकर 100 तक की वैल्यू हमारी हाई रेंज के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये इतना सेटअप था हमारा। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं, तो इसकी हम सेटअप कर दे। अगर सेम टू सेम इसकी भी एडिशन करना सीख लेते हैं कि इसकी एडिशन कैसे करेंगे, इसमें भी रीड एड्रेस वही है हमारा, जो भी जो रीड एड्रेस आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। एड्रेसिंग सेम है, सेम फंडा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, वही लो रेंज कलर हाई रेंज कलर स्टैंडर्ड और किस कलर से फील होना चाहिए, और ये हमारा वर्ड अनसाइन, देखिए मिनिमम 0 मैक्सिमम 100, यही टारगेट वैल्यू यहाँ पे भी पूछ रहा, तो सेम एड्रेसिंग है। यहाँ पे 70 दे देता हूँ और रेंज हमारा रहेगा 20 कर देता हूँ और यहाँ पे 70 कर देता हूँ, तो सेम टू सेम है, बार सिर्फ इसका शेप चेंज है। मैं एक चीज बता दूं, देखिए ये पूरा 360 का रोटेशन है और 180 का रोटेशन है, ये भी 180 का रोटेशन है, ये भी 360 का रोटेशन है, बट सबका सेटअप सेम है। देखिए इसका भी सबका सेटअप सेम है, रीड एड्रेस पूछेगा वही, बॉर्डर कलर लो रेंज कलर हाई रेंज कलर सेम सेटअप है। तो आप एक ही सेटिंग अगर समझ जाते हैं तो सब जितने भी ये ग्राफ हैं सबकी सेटिंग आप कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ था, सॉरी ये पाई ग्राफ था। इसके बाद पाई चार्ट का भी एनालिसिस करते हैं। अब इसमें हम डाटा को इंटर कैसे करेंगे, और एक और पॉइंट इसमें रह जाता कि अगर यूजर के थ्रू हम लो रेंज और हाई रेंज की वैल्यू लेना चाहते हैं वो हम कैसे ले पाएंगे, तो उसके लिए भी हमको एडिटिंग डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। सपोज इसमें मैं देखिए कर देता हूं, एक दो तो मैंने नॉर्मल कर दिया, इसमें मैं आपको एड्रेसिंग करके दिखा देता हूं। ठीक है,
जो यूजर्स हमको वैल्यू लेना है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा तो सॉरी इसके लिए, बट आप वीडियो को थोड़ा अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पॉइंट समझ में आ पाए। ठीक है, इसकी भी एड्रेसिंग मैं D0 कर देता हूँ। चलो अब D0 कर देता हूँ और यहाँ पे सेम सेटअप रहने देता हूँ और फिल कलर बस इसका मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखते रहे। और फिल कलर यहाँ पे मैं कौन सा दे देता हूँ, चलो आप इसको मैं फिल कलर दे देता हूँ, ये हमारा फिल कलर हो जाएगा। और टारगेट इसका मैं दे देता हूँ, और सपोज अगर टारगेट वैल्यू लो रेंज वैल्यू लो लिमिट और हाई लिमिट लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको चेक कर देंगे और ये फिर एड्रेसिंग पूछने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट को मैंने ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक टारगेट की वैल्यू जो है मैं एक यूजर के थ्रू इंटर कराना चाहता हूँ, तो इसकी एड्रेसिंग मैं D10 कर देता हूँ जो टारगेट वैल्यू होगी हमारी। और लो रेंज की वैल्यू भी मैं यूजर के थ्रू लेना चाहता हूँ तो इसको ओके कर देता हूँ, लो रेंज की वैल्यू। और D11 में लो रेंज की वैल्यू दे दूंगा D11। मैं ये दिखा रहा हूँ ये एड्रेसिंग से कि आप यूजर के थ्रू अगर लो लिमिट हाई लिमिट रखना चाहते हैं, यूजर के से वैल्यू लेना चाहते हैं तो उस केस में हम इसकी एड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, अब D11 से इसको D12 पर देता हूँ जिसमें हाई रेंज की वैल्यू आएगा। तो हमारा टारगेट वैल्यू 10 में आएगा, 11 में हमारा लो लिमिट आएगा और हाई लिमिट आएगा D12 में। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये सेम टू सेम यही सेटअप है, सेम टू सेम यही सेटअप है। तो आप इसको करके ट्राई कर सकते हो। मैं इसकी एक यूजर के थ्रू वैल्यू कैसे इंटर करते हो इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ एलिमेंट पे चले जाइए और इनपुट में जाने के बाद न्यूमेरिकल एंट्री लेंगे। ये कैसे लेते हैं इसका अभी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से चल रहा हूँ तो इसलिए अभी तक इसको बता नहीं पाया हूँ, लेकिन आप बस यहाँ पे समझ जा। और यहाँ पे DTN लिख देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बना देता हूँ इसका, और इसमें दो कॉलम के बजाय कॉलम एक कर देता हूँ और रो मैं 3 कर देता हूँ, ऑफसेट एड्रेस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके एड्रेसिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लो D10 D11 D12 ये हमारा इसका एड्रेसिंग हो गया है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक ड्रा कर देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा टीवी होगा, टीवी को मैं ये टारगेट वैल्यू को टीवी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपका समय बचे और आप पॉइंट को समझ पाओ। टीवी लिख देता हूँ और इसका बस साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। टीवी मीन्स टारगेट वैल्यू होगा और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ हाई रेंज और एक लो रेंज। हमारा 3 वैल्यू यूजर के थ्रू लेना था, टारगेट वैल्यू लो रेंज और हाई रेंज। ठीक है, तो हाई रेंज H4 लिख देता हूँ हाई रेंज, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी रहे कि जिस किसकी लो और टारगेट वैल्यू किस में देना है और लो रेंज हाई रेंज। तो LR लिख देता हूँ लो रेंज। ठीक है, या लो लिमिट कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर टेक्स्ट डिपेंड करेगा कि क्या आप वैल्यू देना चाहते हो, वो सब इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा इसकी एड्रेसिंग पे भी, केवल इसकी जो मैंने देखी यहाँ पे D0 की वैल्यू को ये रीड कर रहा है, सिर्फ D0 की वैल्यू को रीड कर रहा है। ठीक है, तो D0 में जो वैल्यू देंगे उसको तो ये रीड करेगा। अगर इसमें हम एक और बटन यूज कर लेते हैं एलिमेंट में जाने के बाद इंक्रीमेंट का, अभी इंक्रीमेंट का बटन यूज कर लेता हूँ और इसकी एड्रेसिंग दे देता हूँ D0, ताकि हम D0 में वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो D0 में दे देता हूँ। चाहे तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर हम इसमें न्यूमेरिकल एंट्री में वैल्यू इंटर D0 का तो कोई मैंने लिया नहीं है, तो D0 में ही ये हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और D10 से टारगेट वैल्यू होगा और D11 से लो लिमिट लो रेंज रहेगा और D12 में हाई रेंज रहेगा। वो सिर्फ इसके लिए वैलिड है, इसमें मैंने कोई एड्रेसिंग नहीं दिया, इसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट दिया। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने 60 कॉन्स्टेंट लिख दिया, यहाँ पे 10 और 80 लिख दिया, सिर्फ मैं इसमें एड्रेसिंग चेंज किया जो यूजर के थ्रू लेना है वैल्यू। ठीक है, अब इसकी मैं ऑनलाइन सिमुलेशन करके फिर मैं दिखा देता हूँ, फिर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मार्को के जरिए इसका एनिमेशन दिखा पाऊंगा अगर वीडियो ज्यादा बड़ा होता है तो। देखिए ऑनलाइन सिमुलेशन हो गया, अब इसमें टारगेट वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी टारगेट वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और टारगेट वैल्यू अगर मैं 50 रख सकता हूँ, अब 0 से 100 के बीच में कुछ भी टारगेट वैल्यू रख सकते हो, तो 50 रखने पे देखिए एक ब्लू कलर का बन गया। अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता तो 60 पे जाके ये
देखिए 60 पे जाके ब्लू कलर बन गया। अब लो रेंज की वैल्यू मैं दे देता हूं यहां पे 20 दे देता हूं लो रेंज, ठीक है, और हाई रेंज दे देता हूं मैं 80, कुछ भी आप दे सकते हो 0 से 200 के बीच में। अब देखिए मैं इसको इसके जरिए इंक्रीमेंट बटन के जरिए मैं इसमें वैल्यू बढ़ा रहा हूं। देखिए अब 0 से लेकर 20 तक का कलर क्या है, ग्रीन है, जैसे कि सेटअप में ही बताया गया था। अब देखिए फिल कलर मैंने इस कलर का रखा था, अब 20 से ऊपर जैसे ही जाएगा अब देखिए कलर चेंज होते जा रहा है, ऊपर में भी, इस बार ग्राफ में भी, इस बार ग्राफ में जो मैंने रखा था। आप सेटअप कर सकते हो, देखिए ये जो यहां पहुंच गए ये 60 पे पहुंच गया, ये हमारा टारगेट वैल्यू है, अब 60 से पार कर रहा है। अब देखिए जैसे जैसे मैंने जो कलर डाला है अब रेड का वो रेड होते जा रहा है, तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, ठीक है। ये टारगेट वैल्यू यूजर के मतलब आप यूजर से ले सकते हो कि क्या टारगेट वैल्यू देना चाहता है। अगर आप इसमें मार्को लिखना चाहते हो, एक सिंपल सा मार्को है, ये मैंने मार्को लिख दिया। ये मार्को कैसे लिखते हैं एक अलग सेक्शन, एक अलग लेक्चर बनेगा, मैं इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो इसको कैसे लिखना है इससे पहले इन सभी पॉइंट को समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। बट आप देख लीजिए एनिमेशन कैसे हो रहा है, अब ऑनलाइन इसे हो जाने दीजिए दोस्तों। अब देखिए ये वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप से बढ़ रही है, ये कैसे एनिमेशन हो रहा है, ये मार्को के थ्रू हो रहा है, बस सिंपल सा एक मार्को लिखा हूँ इसके थ्रू ये वैल्यू एनिमेशन हो रहा है। ये टारगेट वैल्यू अभी कुछ भी नहीं दिया हूँ, 0 पे है तो 0 पे शो हो रहा है। देखिए अभी इसकी टारगेट वैल्यू को मैं चेंज करके 70 कर देता हूँ, तो देखिए टारगेट वैल्यू यहाँ पे 70 पे आ गई है, ठीक है। अब देखिए अगर लो रेंज का कोई कलर नहीं चेंज हो रहा, इसमें देखिए लो रेंज में कोई कलर नहीं चेंज हो रहा क्योंकि यूजर ने इसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो 0 बाय डिफॉल्ट ही 0 वैल्यू होता है, किसी भी डाटा रजिस्टर की वैल्यू 0 होती है बाय डिफॉल्ट। तो अब लो रेंज क्यों मैं इसको कर देता हूं 20। अब देखिए 20 पे जाने के बाद इसका कलर चेंज होगा, अभी तो यहां पूरा फाइनली आएगा। और इसका हाई रेंज का भी मैं एक कर देता हूं, हाई रेंज 80 पे डाल देता हूं। अब इसको एक साइकिल कंप्लीट होने दीजिए, नेक्स्ट साइकिल में ये अपना कलर चेंज करेगा। इसमें देखिए ये पूरा हमारा जितना मैंने 20 तक दिया था, 20 तक ग्रीन, और इस 80 के बाद ये फिर इसका कलर रेड मैंने दिया था, तो ये रेड हो जाएगा। तो ये जो एनिमेशन आप देख पा रहे हैं एक मार्को के थ्रू हो रहा है, वो मार्को कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। अगर आप इस पाई चार्ट को यूज करना सीख गए होंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम में पाई चार्ट को यूज करके आप एक बेहतर प्रोग्राम बना पाएंगे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और एक नया मैं एक दूसरा लेक्चर बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें मैं एक पाई चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको मैं बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।